गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आप यूबीना के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी यूबीना का जो स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से हमने वीडियो डाल रखा है, और अब हम लोग यूबीना न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने लिखना है कि यूबीना विरिडिस न्यूट्रिशन एज अ ऑटोट्रॉफिक एंड एज वेल एज सैप्रोफाइट ट्रॉफिक, यानी कि जो यूबीना विरिडिस है ये आप देख रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक एज वेल एज सैप्रोफिटिक, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक मतलब ये प्रांत की जैसा भी न्यूट्रिशन कर रहा है और एज वेल एज सैप्रोफिटिक टाइप का भी न्यूट्रिशन कर रहा है। इन दोनों टाइप के न्यूट्रिशन करने की वजह से, यानी कि ड्यूल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यूबीना के अंदर दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होने की वजह से इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका यूबीना है, एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट के जैसे भी न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और चूँकि जब प्लांट के वजह से, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो उस वजह से इसके अंदर टू टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, सैप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक, और दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यूबीना विरिडिस न्यूट्रिशन इज ए ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक एज वेल एज सैप्रोफिटिक, हैंस कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर मैंने मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी टू टाइप, ठीक, पहला है ऑटोट्रॉफिक / होलोफिटिक, और दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोफिटिक क्या है? चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट और चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कौन है? होलो आपका ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक। होलोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब भी प्लांट लाइक, और ऑटोट्रॉफिक मतलब भी प्लांट लाइक। चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन फॉर्म ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, अपना फूड मटेरियल बनाता है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन भी क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में हमने डिटेल बताया है, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, उसके साथ बीटा कैरोटीन भी एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, उसके साथ में बीटा कैरोटीन भी, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। कौन? यूबीना। इट फूड इज पॉलीसैकेराइड कॉल्ड पैरामाइन, जो फूड इनका बनता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। और फिर ये जो फूड बनाते हैं वो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, या हेक्सो शुगर होते हैं। क्या हो सकते हैं? इनके ब्रैकेट में आओ, यहाँ पे हेक्सो शुगर होते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? एक हेक्सो शुगर होते हैं, और इन्हीं पॉलीसैकेराइड को उनकी बॉडी में अगर उनके स्टोर हो जाते हैं तो इनको पैरामाइलम या पैरामाइलॉन बॉडीज कहते हैं, पैरामाइलॉन बॉडीज कहते हैं। जब पैरामाइलॉन बॉडी के अराउंड एक प्रोटीनीसियस कवर अगर डिपॉजिट हो जाती है, तो यही पैरामाइलॉन बॉडी या पैरामाइलाइन बॉडीज जो होता है उनको हम कहने लगते हैं पेरिनॉइड। क्या कहते हैं? पेरिनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पेरिनॉइड, किसका?
आपका यूबलीना का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से और एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा है सैप्रोफिटा। बहुत समय तक यदि जो आपका यूबलीना को अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो ये अपने क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये कलरलेस हो जाते हैं, मतलब ग्रीन कलर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये होलोजोइक या एनिमल के जैसा आपका, या कह सकते हो कि एनिमल कह सकते हो, या आप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने लगते हैं। सैप्रोफिटिक होलोजोइक नहीं कह सकते, इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, सॉरी। तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने लगते हैं। तो इस दौरान ये क्या करते हैं कि जो पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर में पड़े होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा और फिर इसको फीड करते हैं और उसे एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, अ प्रोलॉन्ग डार्कनेस इट लॉस देयर क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर देन लीव बाय सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक मेथड इन कंडीशन फीड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ये फीड करते हैं, कौन, आपके यूरिन, ठीक है। एक यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है, यूबलीना ग्रेसिलिस लॉस्ट फ्लोर पर नेवर रिकवर। देखिए जब ये यूबलीना विरिडिस है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रहता है तो ये क्लोरोफिल को अपना डिजॉल्व, मतलब डिस्ट्रॉय करता है या डिसअपीयर कर देता है। लेकिन अगर सनलाइट के आने के बाद ये फिर रिकवर कर लेता है और क्लोरोप्लास्ट को फिर से बना लेता है अपने बॉडी में, या वो बन जाती है, ठीक है। और फिर क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा तो क्लोरोफिल बन जाएगा, जब क्लोरोफिल बन जाएगा तो फिर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने लगेगा, क्योंकि इसका चीफ न्यूट्रिशन है किसका, यूबलीना का, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जो ये यूबलीना ग्रेसिलिस है, ठीक है, जो यूबलीना ग्रेसिलिस है, ये अगर एक बार अपना क्लोरोप्लास्ट को डिसअपीयर कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया तो अगेन उसको रिकवर नहीं करता, मतलब अगेन इसका फॉर्मेशन नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मेथड मैंने लिखा है, पिनोसाइटोसिस। एक फैगोसाइटोसिस होता है, एक पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब कि जब यूबलीना किसी लिक्विड सब्सटेंस को जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, या कह सकते हैं कि अपने साइटोस्टोम के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर लेता है इंटेक करता है, तो उस प्रोसेस को, लिक्विड सब्सटेंस को जब वो साइटोस्टोम से अंदर लेता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी यूबलीना के अंदर पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू भी फूड को कैप्चर करने की मेथड को ऑब्जर्व किया गया है, किसके अंदर, यूबलीना विरिडिस के, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि यूबलीना का न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक ऑब्लिक होलोफिटिक या सैप्रोफिटिक टाइप का भी न्यूट्रिशन पाया जाता है, कभी कभी इनके अंदर पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू भी फूड लेने की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो ये यूबलीना का न्यूट्रिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी, और कह सकते हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप इनको यूबलीना विरिडिस के, ये यूबलीना विरिडिस के बारे में आप डिटेल से इनके न्यूट्रिशन का स्टडी करिए, ठीक है, क्योंकि इनसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और अपने नोट्स को मेंटेन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको और भी वॉच करिए और शेयर करिए, नोट्स को मेंटेन करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक चीज़ और, आपके जब चैप्टर ख़त्म होते हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ते हैं, उनको ज़रूर आप ध्यानपूर्वक देखा करिए, ठीक है। थैंक यू।